नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री मियन सम्मान योजना की। इस योजना के तहत पहले 21 साल की उम्र तक की महिलाओं को ही लाभ मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब 18 साल की उम्र पूरी करने वाली महिला को भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि करीब 8 लाख नई महिलाओं इस योजना के तहत शामिल हो जाएगी। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। उम्र सीमा घटने से अब राज्य की लगभग 56 लाख महिलाओं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। अब बात करेंगे नई वकीलों के लिए। सरकार की घोषणा की है कि नई वकीलों के लिए सरकार ने 3 बड़ी योजना की घोषणा की है। पहले 5 साल तक वकीलों को 50,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही सभी वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा भी मिलेगा और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों की पेंशन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। इन योजना से करीब 30,000 वकील फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी सरकार ने कई अहम घोषणा की है। उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया है। हर साल वर्दी भत्ते के तौर पर 4,000 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा सहायक पुलिस कर्मियों को 1 लाख का मेडिकल बीमा और 4 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। महिला पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश और अन्य संविदा कर्मचारी के समान छुट्टियां भी दी जाएगी। झारखंड सरकार का मानना है कि ये योजना चुनावी सीजन में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि वकील और पुलिस कर्मियों को भी इस समाज में मजबूत भूमिका निभा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी झारखंड सरकार की नई योजना और घोषणाएँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।